हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए कैसे वीडियो बनाने जा रहा हूँ, जिसमें मैं आपको दिखा दूँगा कि आपने अपना फेसबुक पेज जो है वो आपने किस तरह क्रिएट करना है। मतलब अगर आपका कोई बिजनेस है या आपका कोई और काम है और आप इसकी एडवर्टाइजमेंट करना चाहते हैं, तो दोस्तों फेसबुक पेज जो है वो एक ईजीली वे है, बहुत आसान वे है कि आप इसके ज़रिए अपने बिज़नेस की एडवर्टाइजमेंट जो है बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आपने किस तरह फेसबुक पेज को बनाना है और आपने इस पर किस तरह काम करना है। तो चलो दोस्तों चलते हैं आज की हमारी नई वीडियो में। लेकिन इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन पर भी प्रेस करें ताकि आपको हमारी नई आने वाली वीडियो की अपडेट मिल सके। तो चलो दोस्तों चलते हैं कि किस तरह आपने फेसबुक पेज को क्रिएट करना है। तो दोस्तों सबसे पहले आपने ओपन करना है अपना फेसबुक। जब आपका फेसबुक ओपन हो जाएगा तो दोस्तों ऊपर जो थ्री डॉट बटन है नोटिफिकेशन के सामने, तो आपने सिंपली इस पर क्लिक करना है और वहाँ पे जाना है। इसके बाद दोस्तों फर्स्ट नंबर पर है योर प्रोफाइल है, तो इसके नीचे जो फ्लैग है योर पेजेस, तो आप दोस्तों यहाँ पर आपने प्रेस करना है तो आपको शो होगा कि आपने कितने पेजेस बनाए हैं। अगर आप नया पेज बनाना चाहते हैं तो दोस्तों फर्स्ट नंबर जो ऑप्शन है प्लस क्रिएट, तो आपने प्लस क्रिएट पर प्रेस करना है और उसे ओपन करना है। इसके बाद दोस्तों आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, तो आपने नीचे जो गेट स्टार्टेड है, मतलब आप यहां से पेज जो है वो क्रिएट होना शुरू होगा, तो आपने नीचे आना है और जो रेड ग्रीन बटन है जो गेट स्टार्टेड, आपने इस पर क्लिक करना है, यहाँ पर आपने जाना है। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले आपसे पेज का नाम जो है वो आपसे यहाँ पर पूछ रहा है, तो आपने यहाँ पर अपना पेज नाम जो है वो आपने यहाँ पे देना है। फॉर एग्जांपल मैं एक नाम देना चाहता हूँ, ओके दोस्तों मैंने एक नाम दिया, आप अपनी मर्जी से जो भी आप नाम देना चाहते हैं यहाँ पर आपने देना है। इसके बाद आपने इस ऑप्शन को ऑन करना है। फिर दोस्तों नीचे जो नेक्स्ट बटन है ग्रीन, आपने सिंपली यहाँ पे प्रेस करना है। तो इसके बाद दोस्तों आपके सामने दूसरा इंटरफेस आ जाएगा, तो आपने नीचे आना है और आपसे सेलेक्ट कैटेगरी मांग रहा है, मतलब आपका पेज जो है वो किस टाइप है, आप अपना पेज जो है वो किस चीज़ के हवाले से बनाना चाहते हैं। तो दोस्तों आपने यहाँ पर क्लिक करना है और आपके सामने मुख्तलिफ किस्म के ऑप्शन आ जाएंगे, तो आपने यहाँ पर एक ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं जो थर्ड नंबर ऑप्शन है इस पे मैं या फर्स्ट नंबर ऑप्शन पे जो है मैं सेलेक्ट करूँगा। तो जब आप कैटेगरी को सेलेक्ट करेंगे तो दोस्तों इसके बाद एक और ऑप्शन है और वो है सेलेक्ट ए सब कैटेगरी, तो आपके सामने भी इसमें मुख्तलिप किस्म के ऑप्शन आपके सामने आ जाएंगे, तो आपने जो भी ऑप्शन आपने सेलेक्ट करना है वो आपने सेलेक्ट करेंगे यहाँ से। तो मैं फर्स्ट नंबर ऑप्शन को सेलेक्ट करूँगा जो फर्स्ट नंबर ऑप्शन से थोड़ा मैच हो रहा है, तो मैं इसको यहाँ से सेलेक्ट करूँगा। और ये भी जो है ऑप्शन है, आप यहाँ से इसको भी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों इसके बाद आपने जो फिर नीचे आना है नेक्स्ट बटन पे, और फिर आपने एक आपके सामने एक और पेज जो है वो ओपन हो जाएगा। तो दोस्तों आपने इसको स्किप करना है, इसमें कोई इम्पोर्टेंट चीज़ नहीं है, आपने दोबारा नेक्स्ट पे क्लिक करना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपसे पेज बुक की जो फ़ोटो है आपसे मांग रहा है, अगर आप अपने पेज को फ़ोटो देना चाहते हैं तो दोस्तों यहाँ से आप अपने पेज के लिए जो भी फ़ोटो आप देना चाहते हैं यहाँ से आप दे सकते हैं। तो आपने इस पेंसिल पे आपने क्लिक करना है, तो आपके सामने आपकी गैलरी के जितने भी फ़ोटोज़ है वो यहाँ पे शो हो जाएगा। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक फ़ोटो को लूँगा
और फिर मैंने डन किया और फिर यहाँ पे आपने सेव करना है। तो दोस्तों वो फोटो जो है वो अपलोड हो चुका है मेरे पेज पे अपलोडिंग हो रहा है, सॉरी। इसके बाद दोस्तों जो लास्ट ऑप्शन है वो भी मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, लेकिन आपने यहाँ पर थोड़ा सा वेट करना है क्योंकि फ़ोटो जो है वो अपलोड हो रहा है। तो जब वो फ़ोटो अपलोड हो जाएगा दोस्तों तो आपने फिर नीचे आना है और जो नेक्स्ट बटन है अभी शो नहीं हो रहा है, जब ये ग्रीन हो जाएगा तो आपने इस पर प्रेस करना है और लास्ट ऑप्शन जो है वो आपने यहाँ पे जाना है। इसके बाद दोस्तों आपका जो पेज है वो क्रिएट हो जाएगा। तो आपने तो मैं अब इसके बाद मैं आपको बता दूंगा कि आपने किस तरह आपने पेज पे काम करना है। तो दोस्तों ये थोड़ा सा टाइम तो ले लेंगे, तो मैं इसको स्किप करूँगा। तो दोस्तों इसका मतलब है कि यहाँ पर आपने फेसबुक को जो फ़ोटो है वो आप यहाँ से लेंगे। तो दोस्तों ये जो आखिरी लास्ट ऑप्शन है जिसके बारे में आपको बताने जा रहा था, इसके बाद दोस्तों आपने लास्ट में आना है और जो ग्रीन बटन है विजिट पेज, तो आपका पेज जो है वो बन हो चुका है। तो इसके बाद आपको जो है अपने पेज पे यहाँ से जाना है और आपका पेज जो है वो यहाँ से ओपन हो जाएगा। तो दोस्तों अब आपका पेज जो है वो यहाँ से आपने ओपन करना है, जो पेज आपने अभी क्रिएट किया। तो दोस्तों ये वो रहा पेज जो मैंने MyMK नाम से क्रिएट किया। इसके बाद दोस्तों जो काम आपने करना है वो आपने अपने दोस्तों को इनवाइट करना है अपने पेज में। तो आपने नीचे आना है और यहाँ पर इनवाइट फ्रेंड जो ग्रीन बटन है, इसका मतलब है कि आपके जो फेसबुक मैसेंजर के भी जितने भी फ्रेंड्स हैं अगर आपको उसको इनवाइट करना चाहते हैं तो आपने इस बटन पे आपने प्रेस करना है। तो आपके सारे मैसेंजर के जो फ्रेंड्स हैं वो यहाँ से इनवाइट हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों जो ग्रीन बटन है इसका मतलब है कि आपके जो इनवाइट इन व्हाट्सएप, तो आपके जितने भी व्हाट्सएप फ्रेंड्स हैं वो यहाँ से आपको इनवाइट जो है करेंगे। तो मैं तो इनवाइट नहीं करना चाहता। इसके बाद दोस्तों आपने जो है ऊपर आप अगर जाएंगे तो आपके सामने +8 बटन अगर आप इस पर प्रेस करें तो आपको शॉर्टकट होने के लिए आपने एक बटन यहाँ से क्रिएट करेंगे। तो मैं तो नहीं करूँगा, मैं वापस बैक हो जाऊँगा। इसके बाद नीचे जो 5 नंबर ऑप्शन है दोस्तों वो है पोस्ट, मगर इसका मतलब है कि आप अभी क्या पोस्ट करना चाहते हैं अपने ग्रुप में। अगर कोई फ़ोटो आप पोस्ट करना चाहते हैं ग्रुप में, जो भी आप अपने पेज में सॉरी पोस्ट करना चाहते हैं दोस्तों, तो यहाँ से आपने पोस्ट करेंगे इजीली यहाँ से इस पर। फिर आपने पब्लिश करना है तो आपका जो पोस्ट है वो पेज में पोस्ट हो जाएगा। तो मैं नहीं करना चाहता। इसके बाद दोस्तों फ़ोटो है, अगर आप कोई फ़ोटो पेज में अपलोड करना चाहते हैं तो यहाँ से आपको यहाँ इसी तरह आपने यहाँ से अपलोड करना है। इसके बाद 3 नंबर ऑप्शन है प्रमोट, इसका मतलब है कि आपने अपने पेज को प्रमोट करना है या नहीं, तो आपने यहाँ से इसको प्रमोट भी करना है। इसके बाद जो लास्ट ऑप्शन है व्यूज़ एज, इसका मतलब है कि आपने अपने पेज को किस तरह देखना है, तो आप इजीली इसी तरह इस ऑप्शन को यूज़ करके अपने जितने भी आपने पोस्ट किए हैं वो आप इजीली यहां से देख सकते हैं। इसके बाद दोस्तों आपने मैं वापस बैक चाहता हूं और अब मैं आपको दिखा दूंगा कि आपका जो पेज है वो आपने किस तरह वापस इस पेज पर आप किस तरह जाएंगे। तो दोस्तों इसके लिए आपने फिर ऊपर जो 3 डॉट्स बटन है आपने वहाँ पर जाना है और फिर आपने नीचे आना है और यूअर पेजेस पे आपने फ्रेस करना है। तो दोस्तों आप जितने भी आपने पेजेस बनाए हैं वो यहाँ पर शो हो रहे हैं। तो मैंने जो लास्ट वन पेज क्रिएट किया है MyMK नाम पे, तो मैं इस पर फ्रेस करूँगा और वो जो पेज है वो यहाँ से स्टार्ट होगा। इसके बाद दोस्तों अगर आप 8 कवर फोटो अगर आप अपने पेज पे लेना चाहते हैं तो आपने एडिट पे क्लिक करना है, ऊपर जो एडिट का बटन है उस पर आपने क्लिक करना है। तो
आपके गैलरी में आप जो भी फ़ोटो लेना चाहते हैं अपने पेज बुक कवर के लिए, तो आप इजीली यहां से ले सकते हैं। तो दोस्तों, ये रहा आज की हमारी वीडियो, जिसमें मैं आपको बता रहा था कि आपने फेसबुक पेज को किस तरह बनाए हैं। उम्मीद है आपने इस वीडियो से कुछ ना कुछ तो सीखा होगा। तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन पर भी प्रेस करें। थैंक यू सो मच।